आज मोदी सरकार दुनिया के सामने भारत की इमेज बड़ी और अच्छी बनाने में लगी हुई है। जहां एक तरफ कतर जैसे छोटे देश ने फीफा होस्ट कर लिया है, तो ऐसे में ओलंपिक का नाम आता है। तो इस बार मोदी सरकार का प्लान है ओलंपिक भारत में होस्ट करवाने का। क्या है ओलंपिक होस्टिंग का पूरा प्रोसेस और क्या मोदी 2036 के ओलंपिक भारत में होस्ट करवाने में सफल हो पाएंगे, सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो फिलहाल भारत ओलंपिक्स 2036 की मेजबानी के लिए बोली लगाने को पूरी तरह से तैयार है। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि सितंबर 2023 में मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन होने जा रहा है और इसी दौरान भारत 2036 ओलंपिक गेम्स की मेजबानी का दावा करेगा। साथ ही भारत सरकार ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बोली का समर्थन करेगी। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने इशारा भी कर दिया है कि अगर मेजबानी भारत को मिलती है तो गुजरात का अहमदाबाद ओलंपिक खेलों का मेजबान शहर होगा। बता दें कि भारत ने पहले 1982 के एशियाई खेलों और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। अब अगला मिशन समर ओलंपिक है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के ही लोगों ने दुनिया के सामने भारत की क्या इमेज बनाई थी। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में हुए घोटाले ने दुनिया भर के सामने भारत की छवि बिगाड़ दी थी। जैसा कि दिल्ली में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेलों में कई तरह के प्रबंध करने के दौरान अनियमितताएं बरती गई थी और इन्हीं सब के चलते करीब 70,000 करोड़ का घोटाला किया गया था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इस बार भारत की इमेज रीबिल्ड कर पाएगी। यहाँ आपको बताते चले कि सितंबर में जिस ओलंपिक बिडिंग के लिए दुनिया भर की हस्तियाँ मुंबई आने वाली हैं, उसके लिए सारे रास्तों में जहाँ जहाँ झोपड़पट्टियाँ यानी स्लम्स दिखते हैं, वहाँ बड़े बड़े हरे पर्दे लगा दिए गए हैं। और क्या विकास भी हमें इन पर्दों पर देखने मिलेगा। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं तो आपको बताते हैं कि ओलंपिक की मेजबानी आखिर मिलती कैसे है। बता दें कि ओलंपिक खेलों का आयोजन करना बिल्कुल आसान काम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इसमें अब खर्चा होने लगा है उतना तो छोटे मोटे देशों की इकॉनमी भी नहीं है। अगर आपको पता होगा तो कई देश ऐसे बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करवाने के बाद दिवालिया भी हो गए। और ओलंपिक तो आज असलियत में अरबों डॉलर का मामला है। आज के दौर में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए वेन्यू, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट के साथ साथ तमाम सुविधाएं देने के लिए अरबों डॉलर का खर्च करना होता है। साथ ही इसके लिए मेजबान देश को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ टाई अप करना होता है और IOC के सामने बोली लगाने वाले देश बताते हैं कि उन्हें कितना खर्च करना है, जिसके बाद सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जो रकम दिखाता है आखिर में जाकर उससे भी कई गुना ज्यादा खर्च उस देश का हो जाता है। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि ओलंपिक्स बोली लगाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है। तो ओलंपिक खेल का मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजेशन से भी कहीं बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक ही खेल होता है और ओलंपिक के लिए 25 से ज्यादा खेलों और 310 इवेंट कराने की अरेंजमेंट मेजबान देश और उस खास शहर के पास होनी ही चाहिए जहां इसे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। इसके साथ ही 20,000 लोगों जिनमें IOC मेंबर और गवर्नमेंट एम्बेसडर शामिल हैं, उनके ठहरने की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही टूरिस्ट के लिए सहूलियत होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब 2016 में रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक का आयोजन हुआ था तो वहां तकरीबन 5,00,000 टूरिस्ट पहुंचे थे और तब उनके इंतजाम करने में बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई थी। अब यहां भारत के साथ एक कंसर्न ये भी है कि यहां सुरक्षा व्यवस्था टूरिस्ट के लिए कैसी होगी। लेकिन इस बार ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने के लिए भारत बहुत ज्यादा ही गंभीर है और इसके लिए केंद्र खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि भारत इसके लिए सकारात्मक रूप से बोली लगाने को तैयार है। हमारे लिए यहाँ नहीं कहने का कोई कारण नहीं है। अगर खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत इतने प्रयास कर रहा है तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि हम सिर्फ ओलंपिक की ही मेजबानी नहीं करेंगे, हम इसे बड़े पैमाने पर आयोजित करेंगे। ओलंपिक की मेजबानी करने का ये सही समय है। अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो फिर खेलों में क्यों पीछे रहे। भारत 2036 के ओलंपिक के लिए बोली लगाने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है और गुजरात ने ओलंपिक की मेजबानी की इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि उनके पास होटल, हॉस्टल, एयरपोर्ट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस से लेकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही ये राज्य सरकार के घोषणा पत्र का भी हिस्सा है, तो ऐसे में सरकार का झुकाव भी गुजरात की तरफ देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि IOC की 140वीं बैठक का आयोजन मुंबई में होने को है, ऐसे में 40 साल बाद ये मौका भारत को मिला है। बता दें कि इससे पहले 1983 में दिल्ली में इस बैठक का आयोजन हुआ था। अब इसी बैठक में भारत 2036 में ओलंपिक खेल की मेजबानी करने की बात करेगा। अब IOC में कुल 101 सदस्य हैं, जिनके पास मतदान का अधिकार है। इसके अलावा 45 माननीय
और एक सम्मानित सदस्य है जिनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। ओलंपिक समिति में 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ के अध्यक्ष और सचिव भी शामिल हैं। इसके साथ ही ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के सदस्य भी इस बैठक में शामिल होते हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि जब बीजिंग में IOC की 139वीं बैठक में फैसला हुआ कि अगली बैठक भारत में होगी, तो किसी भी देश ने इस बात का विरोध नहीं किया, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इससे भारत को ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिलने की उम्मीद ज्यादा है। अब ये जान लेते हैं कि साल 2036 के ओलंपिक्स के लिए भारत क्यों बोली लगा रहा है। जैसा कि ओलंपिक के खेल हर 4 साल बाद होते हैं, तो साल 2024 की मेजबानी पेरिस के पास है। वहीं 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं। इसके अलावा 2032 के लिए भी बोली लगाई जा चुकी है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को मेजबानी के लिए चुना गया है। अब बारी 2036 और 2040 की है। यहाँ उम्मीद है कि साल 2036 की मेजबानी भारत को मिल जाए। अब भारत को मेजबानी हासिल करने की बात हो रही है, तो ये भी जान लीजिए कि ओलंपिक होस्ट करने में कितना खर्च हो जाता है। तो यहाँ टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, तो साल 2013 में उसने 2020 के ओलंपिक आयोजन की बोली लगाई थी और वहाँ ओलंपिक होने के बाद ऑफिशियल तौर पर $15.4 अरब खर्च होने की बात कही गई थी, जबकि टोक्यो ने 2013 में $7.5 अरब की बोली लगाई थी। कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि खर्च सिर्फ $15.4 अरब ही नहीं हुआ, इससे ज्यादा हुआ था। इतने ज्यादा खर्च पर सवाल उठे तो हकीकत छुपाई गई। अब यहीं अगर बात करें साल 2016 के ओलंपिक्स खर्च की, तो उसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और उस समय आयोजकों ने कुल $13.2 अरब खर्च किए थे, जिसमें से $2.06 अरब का खर्च सिर्फ स्पोर्ट्स वेन्यूज पर किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ओलंपिक्स खेलों पर इतना खर्च करना सही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जापान की राजधानी टोक्यो में हुए खेलों के खर्च को लेकर सवाल उठे थे, क्योंकि इन खेलों का आयोजन उस वक्त हुआ जब दुनिया की इकोनॉमी कोरोना काल की वजह से बहुत बदहाल थी। करोड़ों लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए थे, तो क्या उस वक्त ओलंपिक खेलों पर बेतहाशा खर्च करना सही था। बता दें कि जापान में 300 बेड का अस्पताल बनाने पर $5.5 करोड़ का खर्च आता है, तो जितना खर्च टोक्यो में ओलंपिक पर हुआ उतने में करीब 300 अस्पताल बनाए जा सकते थे। और सिर्फ ओलंपिक खेलों की होस्टिंग करने की वजह से इन भारी भरकम खर्चे का बोझ जापानी टैक्स पेयर्स को उठाना पड़ा, क्योंकि इसके 55% बजट की पूर्ति जनता के पैसे से हुई थी। बाकी की रकम निजी रूप से की गई फंडिंग, स्पॉन्सरशिप, टिकट बिक्री और IOC के सहयोग से जुटाई गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गेम इकोनॉमिक्स से मिले सबूत बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वेन्यूज के कंस्ट्रक्शन पर खर्च की गई रकम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं जिससे बढ़िया रिटर्न मिल सके, क्योंकि भारी भरकम खर्च होने के बावजूद खेलों के कॉम्प्लीशन के बाद कंस्ट्रक्शन साइट्स का कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता। ऐसे में इवेंट्स के लिए कंस्ट्रक्शन पर ज्यादा खर्च करना कितना सही है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि जब इतना ही खर्च आता है तो भारत क्यों ओलंपिक्स होस्ट करना चाहता है। तो बता दें कि भारत के लिए ओलंपिक 2036 होस्ट करना जरूरी क्यों, तो इसका जवाब है इंटरनेशनल रिलेशन, स्पॉन्सरशिप, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन का इन्वेस्टमेंट और खेलों में होने वाला फायदा, क्योंकि इन खेलों में तमाम देशों के एम्बेसडर शिरकत करते हैं, जिस वजह से देश के संपर्क दुनिया से और बेहतर बनते हैं। और जब बड़ा इवेंट होता है तो लोगों में खेलों को लेकर दिलचस्पी भी बढ़ती है, वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और नौकरी के अवसर भी मिलते हैं। ऐसे में कौन सा देश ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं चाहेगा। अब बात कर लेते हैं ओलंपिक 2036 को लेकर भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो खुद को स्पोर्ट्स का पावर हाउस दिखाने के लिए भारत को बड़ी छाप छोड़ने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में ओलंपिक पदक विजेताओं के बिना बाकी देशों को ये यकीन दिलाना मुश्किल होगा कि 1 अरब जनसंख्या वाला देश खेलों को लेकर सीरियस है या नहीं। साथ ही अब तक भारत ने एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। इसके अलावा देश ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, FIFA अंडर 17 वर्ल्ड कप और हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप जैसे खेलों की मेजबानी की है, लेकिन इनमें से कोई भी खेल ओलंपिक खेलों के आयोजन का मुकाबला नहीं कर सकता। और ऐसे में भारत को साबित करना होगा कि वो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खेल आयोजित करने की काबिलियत रखता है। साथ ही भारत के लिए इंडोनेशिया, कतर, कोरिया, जर्मनी जैसे दावेदारों के बीच मजबूत बोली लगाना भी आसान नहीं होगा। इसके साथ साथ भारत के लिए पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट से निपटना मुश्किल भरा होगा। भारत के लिए साफ पानी और स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में स्वच्छ और सुरक्षित सुविधाएं मुहैया कराना सुनिश्चित करना होगा। दोस्तों, अब इन हालातों में भी क्या भारत सरकार ओलंपिक भारत ला पाएगी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसको लाइक और शेयर का बटन दबाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।